दिस इज डॉ एस के सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर द नीट सीरीज के बारे में ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से सो so, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और आप अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ये चैनल आपके सफलता के लिए अग्रसर करेगा सो स्टार्ट विद द The most important topic that is called prions. So it is discovered by the prusiners, a scientist they इन्होंने discover किया था and prions based uh, disease was first studied by the gad gadjucek, jo bhi scientist ka naam hai they awarded the Nobel Prize for that. तो so सबसे पहले इन्होंने uh, पता लगा लिया था कि जो prion है वो disease cause करता है और ये disease animal disease में ज़्यादा cause करता है प्लांट में कम रिपोर्टेड है बट एनिमल में ज़्यादा रिपोर्टेड है सो देर इज अ इन्फेक्शियस प्रोटीन द कॉज द एनिमल डिजीज कुछ ऐसे इन्फेक्शियस प्रोटीन होते हैं जो एनिमल डिजीज़ को कॉज करते हैं एंड दे आर मेनली अटैक ऑन द नर्वस सिस्टम जो प्रियन है वो सिर्फ और सिर्फ नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है इसलिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है इससे डिजीज एंड दे आर ऑल्सो नोन एज अ स्लो वायरस स्लो स्नो वायरस जिसे बोल सकते हैं सो वायरस ठीक है तो इसे आ, इस टाइप के वायरस को, को भी हम बोलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि प्रियोन से कौन से डिजीज होते हैं तो ये चार डिजीज बहुत इम्पोर्टेंट है और ऊपर के दो डिजीज से क्वेश्चन आया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है द फर्स्ट डिजीज विच इज कॉज बाय द प्रेन इज ए डिजीज ऑफ शिप और गोट दैट इज स्लो सो वायरस डिजीज मेडकाउ डिजीज बी एस ई दैट इज बोबाइन अस्पजी फॉर्म इन इनकेपेलोपैथी इनकेपेलोपैथी इज जनरली एसोसिएटेड विद द इन्फ्लोमेशन ऑफ द मैनज जो ब्रेन के सेल्स होते हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाता है उनमें सूजन आ जाती है इसलिए ऐसा होता है दैट इज कॉल्ड मेडकाउ डिजीज तो ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि मेडकाउ डिजीज इज कॉज बाय स्कैर्पी डिजीज ऑफ शिप या स्कैर्पी डिजीज ऑफ गोट इस बाय, इट इज ऑल्सो कॉल फ्लो वायरस डिजीज और प्रियोन डिजीज एल्जाइमा डिजीज एन मैन इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द प्रियॉन डिजीज बट एल्जाइमा डिजीज एसोसिएटेड विद एज लिंक जैसे हम आ, बड़े हो जाते हैं ओल्ड स्टेज में जाते हैं तो हमें आ, जो आ, Uh, भूलने के शक भूल, भूल भूलने लगते हैं चीज़ों को दैट इज़ कॉल्ड अल्जाइमर डिजीज़ सो अल्जाइमर डिजीज़ के और भी बहुत सारे uh, कारण होते हैं इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है कुछ uh, एंजाइम और कुछ केमिकल uh, सिक्रेशन की वजह से भी होता है क्रोजिट फैट्स डिजीज ऑफ द मैड दिस ऑल्सो एसोसिएटेड विद द प्रेन डिजीज तो इंपॉर्टेंट है चारों आप बिल्कुल अच्छे से याद करिए ये आ सकता है क्वेश्चन नाउ वी टॉक अबाउट द लाइकन लाइकन क्या है तो लाइकन इज अ सिंबायोटिक एसोसिएशन दैट इज अ म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन द एल्गी एंड फंगस तो एल्गी और फंगस के बीच में अगर दोस्ती हो जाती है उसी दोस्ती को हम कहते हैं लाइकन उसी दोस्ती को हम लाइकन बोलते हैं सिम्बायोटिक म्यूचुअली रिलेशनशिप है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को एलगी को और फंगस को दोनों को एक दूसरे से फायदा मिलता है द एल्गल कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड फाइकोबायोन्ट जो एलगल कंपोनेंट उसे फाइकोबायोट बोलते हैं और जो कि ऑटोट्रॉपिक होता है आपको पता है कि ऑटोमीन्स सेल्फ ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रेशन तो जो अपना खाना खुद से बना सके दैट इज कॉल्ड ऑट्रोट्रॉपिक और एल्गा करता है वो फाइटोबायट होता है प्लांट लाइक सेल्स होते हैं फंगल कंपोनेंट जो होता है दिस इज कॉल्ड माइको बायोन्ट विच इज कॉल्ड हेट्रोटॉपिकट्रोमीन्स डिफरेंट टॉपिक मीन्स न्यूट्रिशंस ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिफरेंट सोर्सेज पे डिपेंड हो अपने न्यूट्रिशन के लिए सो दैट इज कॉल्ड हैट्रोटॉपिक तो फंगल कॉम्पोनेंट माइको बायोट होता है जो हैट्रोटॉपिक होता है तो अल्टीमेटली जो होता है हेट्रोटॉपिक जो होता है ऑटोटॉपिक पर डिपेंड रहता है अपने खाने के लिए बट उसे एल्गल को सेल्टर चाहिए एल्गल को सेल्टर चाहिए एल्गल को सेल्टर चाहिए तो एल्गल को सेल्टर के लिए क्या करेंगे वो फंगल कंपोनेंट पे डिपेंड रहता है ठीक है तो ये दोनों आ, एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं एल्गल प्रिपेयर फूड फॉर द फंग जो एल्गल है अभी आपको पता चल गया कि जो ऑटोट्रॉप्स है ठीक है वो खाना बनाते हैं तो एल्गल जो होता है फंजाई के लिए खाना बनाता है जबकि फंजाई उसे शेल्टर प्रोवाइड करता है रहने का जगह देता है एंड ऑल्सो एब्जॉर्ब मिनरल्स न्यूट्रेन न्यूट्रेंट एंड वॉटर फॉर दिस पार्टनर एंड दिस आर द पॉल्यूशन इंडिकेटर जो लाइकन होते हैं पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं मतलब जहां पे पॉल्यूशन नहीं होता है वहीं पे पाए जाते हैं जहां पे पॉल्यूशन आ जाएगा वहां पर वो डिसअपियर हो जाएंगे वहां से हट जाएंगे लोग तो लाइकन आर पॉल्यूशन इंडिकेटर क्योंकि ये पॉल्यूशन को जज कर सकते हैं बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पॉल्यूशन है क्योंकि बेसिकली ये नॉन पॉल्यूटेड एरिया में ही ग्रो करते हैं नाउ वी टॉक अबाउट स्मॉल थिंग दैट इज मोनेरा और मैं इसमें बैक्टीरिया के बारे में आपको बताऊंगा क्योंकि बैक्टीरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से सो किंगडम मोनेरा टर्म गिवन बाय एलन एंड डॉ साइंटिस्ट का नाम मुझे अच्छे से बोलने नहीं आते हैं बट आप देख लीजिएगा किंगडम मोनेरा इंक्लूड द प्रो कैरियोड्स प्रो कैरियो इसमें सारे होते हैं इसमें सारे बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया माइक्रोप्लाजमा और थमाइडी इंक्लूडेड है हम इसमें बैक्टीरिया के बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि बैक्टीरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के लिए नाउ वी टॉक अबाउट द यू बैक्टीरिया जहां पे भी यू आ जाए यू का मतलब होता है ट्रू तो ऐसे बैक्टीरिया जो सच्चे होते हैं ट्रू होते हैं तो दैट इज कॉल्ड यू बैक्टीरिया तो सच्चे बैक्टीरिया का मतलब ये होता है कि उनके सेल वॉल के ऊपर पेप्टीडो ग्लाइगन अगर प्रेजेंट हो तो उसी को हम यू बैक्टीरिया कहते हैं द बैक्टीरिया हैविंग द पेप्टीडो ग्लाइगन इन देयर सेल वॉल देयरफॉर दे आर कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया एंड दिस इज दे देस डिस्कवर बाय द लेवन हॉक टर्म बर्मिस और लीनियस ने इसे बर्मिस का नाम रखा है तो लीनियसटीरिया वॉज गिवेन बाय द पहली बार जो टर्म बैक्टीरिया का रखा गया is है टर्म uh, रखा था रॉबर्ट कोच वॉज कंसिडर्ड द फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंड ही डिस्कवर दीबी एंड कॉलरा इन अ मैन बैक्टीरिया आपको पता ही है कि टीबी जो होता है दिस इज द मोस्ट कॉमन इन इंडिया एंड इट इज कॉज बाय माइक्यू बैक्टीरियम ट्यूबर क्लास इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर बाय द रॉबर्ट कॉच इसलिए इसका नाम फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा गया है और अभी भी टीबी बहुत ही कॉमन है और करता है द द डिजीज ऑफ ऑफ कैटल इज ड्यू टू बैक्टीरिया आपको याद होगा में एक वॉर हुआ था उन्होंने मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है वो क्या करते थे जब वो चिट्ठी भेजते थे लेटर भेजते थे उसमें एंथरेक्स वायरस डाल के भेजते थे जैसे कोई खोता था उसे एंथ्रेक्स हो जाता था एंथरेक्स इज आल्सो दैट स्प्रेड इन ह्यूमन बींग बट जनरली एंथ्रेक्स जो होता है कैटल में होता है उनके पैरों में ये बीमारी होती है पैर के अंदर मतलब सोल के अंदर ये बीमारी होती है सो रॉबर्ट पास्टर इज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड दे रिपोर्टे द फर्मेंटेशन इज ड्यू टू दैक्टीरिया जो भी फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है एंड ही टर्म जर्म थ्योरी ऑफ डिजीजन एक है जोसेफ लिस्टर इट इज फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी एंड द गोल्डन एरा ऑफ माइक्रोबायोलॉजी फोर्टी एंड देर रिपोर्टिंग द वॉशिंग ऑफ द जो भी घाव वगैरह है उसे अच्छे से आ, साफ करेंगे पानी से और आ, साबुन से द कीप पैथोजन अवे फ्रॉम द बाउंडेड एरिया सो so, बेसिकली इन्होंने एंटीसेप्टिक थ्योरी पे काम किया था मेनली जो वुंड है एरिया है उसे हील करने के लिए उन्होंने साफ ऑफ करने के लिए आ, किया था द टाइप ऑफ बैक्टीरिया डिपेंडिंग अपॉन द शेप शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं और यही मेरा मेन कंसर्न था कि आप ये आ, टाइप ऑफ बैक्टीरिया समझ पाए क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है स्पेरिकल और ओवल टाइप स्पेरिकल और ओवल टाइप बेसिकली इसमें कोकाई आते हैं दिस इज फर्दर दे आर डिवाइडेड इनटू द माइक्रोकोकाई माइक्रो मतलब बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल इज माइक्रोकोकस ल्यूटिस डिप्लो कोकाई जो बैक्टीरिया होते हैं देख पा रहे हैं यहाँ पे डाइग्राम में बिल्कुल आस पास जुड़े हुए होते हैं दे अकर इन पेयर्स पेयर दैट इज कॉल्ड निमोनिया तो निमोनिया डिप्लो कोकाई है और डिप्लो कोकाई किस में आता है स्पेरिकल और ओवल में आता है ना वी टॉक अबाउट दोकस दे आकर इन क्रिस्ट क्रिस्टल्स में प्रेजेंट होते हैं स्टेफाइलो कोकस ऑरियस इसके एग्जाम्पल है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ना वी टॉक अबाउट रॉड शेप बैक्टीरिया दे आर नोन एज बेसिलाई इसे बेसिलाई बोलते हैं और सिंगल uh, बेसिलाई होते हैं दैट इज कॉल्ड रोडो स्पाइरम डिप्लो बेसिलाई दैट इज कॉल्ड बेसिलसटेलिस फटाफट आप देखेंगे और इसे याद करेंगे तब तो भी फायदा होगा स्टेप्टोबेसिलाई दैट इज कॉल्ड बेसिलस एंथ्रेसिस तो स्टेप्टो बेसिलाई होते हैं ये सारे रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है स्पाइरल बैक्टीरिया दे आर लेस कॉय एग्जाम्पल स्पाइर एंड कॉमा शेप बैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड विब्रो आप देख पा रहे हैं कॉमा की तरह होते हैं कॉलेरा जो होता है इसी शेप के बैक्टीरिया होता है इसे तो इम्पोर्टेंट है नाउ वी टॉक अबाउट फिलामेंटस बैक्टीरिया फिलामेंटस बैक्टीरिया हमने यहां तक बैक्टीरिया एक सेकेंड हाँ तो शेप हमने देख लिया अब हम देखेंगे स्टार शेप बैक्टीरिया तो देखिए स्टार शेप बैक्टीरिया स्टार की तरह दिखाई देते हैं दैट इज कॉल्ड स्टेला एंड ट्राइगुलर शेप बैक्टीरिया दैट इज ट्राइंग की तरह होते हैं होलो आर्कुला बर्डिंग शेप बैक्टीरिया उसके ऊपर बर्ड होते हैं छोटे छोटे बर्ड होंगे रोटो माइक्रोबियम एंड प्लीरोमोर्फिक मोर देन वन टाइप ऑफ मोफोलजी अगर उनका शेप साइज बदलता रहे दैट इज कॉल्ड पोलो प्लीरोमोरफिक बैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड राइजोबियम राइजोबियम इसके एग्जाम्पल आते हैं तो ये फर्दर एग्जाम्पल एंड नाउ वी टॉक अबाउट द फिलामेंटस टाइप ऑफ बैक्टीरिया फिलामेंटस टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं फिलामेंट की तरह होते हैं एक्टिनोमाइसीड स्टेप्टोमाइसीड माइक्रोबैक्टीरिया मैक्सिमम एंटीबायोटिक जो होते हैं इसी स्टेप्टोमाइसीड से ऑप्टेन किया जाते हैं क्वेश्चन आता है कि अगर आपको एंटीबायोटिक सबसे ज्यादा ऑप्टेन करना है तो क्या किस चीज़ से ऑप्टेंट करेंगे तो दैट इज कॉल्ड स्टेप्टोसीड सबसे इंपॉर्टेंट है टाइप ऑफ बैक्टीरिया डिपेंडिंग ऑन द नंबर एंड अरेन्जमेंट ऑफ फ्लेजिला थोड़ा सा डिफरेंट है एनसीआरटी में नहीं है बट कभी भी क्वेश्चन आ सकता है ऐसा तो टाइप ऑफ बैक्टीरिया डिपेंडिंग ऑन अरेंजमेंट एंड डिपेंडिंग ऑन अरेंजमेंट ऑफ फ्लेजिला जिस बैक्टीरिया के ऊपर होगा दैट इज कॉल्ड ए ट्राइकस फ्लेजिलाल पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है पोस्टला इसके एग्जाम्पल आते हैं नाउ वी टॉक अबाउट द मोनोट्राइकस मोनोट्राइकस का मतलब होता है मोनो का मतलब सिंगल तो देख पा रहे हैं इस डाइग्राम में कि अगर एक सिंगल फ्लेजला अगर प्रेजेंट हो ठीक है तो इसे हम मोनोट्राइकस बोलते हैं सिंगल प्रेजेंट, कॉल्ड विब्रियो, इसे विब्रियो बोलते हैं एम्फी मतलब बोथ एम्फीविया होते हैं ना लैंड और वॉटर पे रहते हैं तो एम्फीविया एम्फी ट्राइकस बोथ यानी इस बैक्टीरिया के दोनों तरफ फ्लेजिलाईकस वन द बोथ एंड दैट इज कॉल्ड स्पाइरिलम और लोफोट्राइकस द ग्रुप ऑफ फ्लेजला प्रेजेंट एट द बोथ एंड दैट इज कॉल्ड नाइट्रोसोनोमास और सिफेलोट्राइकस एकी एकी एंड पे बहुत सारे ग्रुप हो तो ग्रुप ऑफ फ्लेजला एट ओनली वन एंड दैट इज कॉल्ड सीडोमोनास सो दिस इज इम्पॉर्टेंट और ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद ही आ, रखना है सो so, ये बिल्कुल याद ही रखना है क्योंकि और भी सेल वॉल वगैरह है तो हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे इतना तक आपको याद रखना है और फिर हम आगे सीरीज़ को जारी रखेंगे थैंक यू सो मच